सर का एक पत्र सब जगह आ रहा है, अब आ गए आप हैसियत पर, नो लेकिन उसको लेकर नो आपके नाम से नहीं, हम चले जाएंगे। नहीं सर, ये छोड़िए। ये आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का गुस्सा है। जगदानंद सिंह बिहार की सियासत में दिग्गज राजनेता माने जाते हैं और उनसे जैसे ही पत्रकारों ने सवाल पूछा प्रशांत किशोर के बनने वाले दल जन स्वराज को लेकर, तो जगदानंद सिंह भड़क उठे। आज चर्चा है वो नहीं है कहीं, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना, अपने तटबंधों को सुरक्षित रखना ये सरकार की जिम्मेवारी है और उसके प्रति सजग संस्था जिसका नाम है सरकार उसको रहना चाहिए। सर का एक पत्र सब जगह आ रहा है, अब आ गए आप हैसियत पर, नो लेकिन उसको लेकर नो आपके नाम से नहीं, हम चले जाएंगे। दरअसल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के एक पत्र से सियासी हलचल मच गई थी। शनिवार यानी 6 जुलाई को जगदानंद सिंह ने एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जनसुराज एक राजनीतिक पार्टी है, इसके संस्थापक प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत किशोर पांडे हैं, ये पार्टी बीजेपी की बी टीम है। जगदानंद सिंह के इसी लेटर से खलबली मच गई। जगदानंद सिंह ने अपने पत्र में आगे कहा कि आए दिन सभी जिलों में देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेता जनसुराज में सहयोगी सदस्य बन रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। इसको लेकर पत्रकारों ने आज सवाल पूछा तो जगदानंद सिंह ने साफ जवाब देने से इनकार कर दिया। वहीं जगदानंद सिंह के लेटर पर जनसुराज ने भी पलटवार किया। जवाब में जनसुराज ने कहा कि जनसुराज के पार्टी बनने की घोषणा भर से बिहार का सबसे मजबूत दल होने का दावा करने वाली आरजेडी की घबराहट देखिए। बेचारे अपने दल में मची अफरा तफरी और आरजेडी छोड़कर जाने वाले नेताओं को रोकने के लिए अपने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने बिहार में नया राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया है। वो औपचारिक तौर पर 2 अक्टूबर को इसकी घोषणा करने वाले हैं और माना जा रहा है कि बिहार को एक नया विकल्प देने के लिए प्रशांत लगातार पदयात्रा कर रहे हैं और बीजेपी आरजेडी और जेडीयू सभी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहरहाल जगदानंद सिंह के इस गुस्से का वीडियो खूब वायरल है। पटना से सुजित गुप्ता की रिपोर्ट, बिहार तक।